हेलो दोस्तों, मैं हूँ एथ्री और आप देख रहे हैं एथ्री मोटर। दोस्तों, जैसे आप लोग देख सकते हैं, आज हमारे सामने मौजूद है टीवीएस एपाची आरटीआर 162 भी। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि ये बाइक कई सारे सालों से इंडिया में प्रोडक्शन में है और समय के साथ साथ इसमें कुछ चेंजेस भी आया है। तो चलिए, बेसिकली आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आज की तारीख में 2023 में क्या ये बाइक अपने कंपटीटर बाइक के सामने टिक पाता है, क्या ये बाइक अभी भी अपनी प्राइस के हिसाब से वर्थ है, क्या इस बाइक को 2023 में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम इस बाइक की डिटेल्स में देखने वाले सारी चीज़। सबसे पहले बात करेंगे इस बाइक के डिज़ाइन के बारे में, बात फिर इंजन के बारे में, फीचर्स के बारे में बात करेंगे, इस बाइक के ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में, आखिर में बात करेंगे इस बाइक की प्राइस की बात, फिर बात करेंगे कंक्लूजन के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। अगर डिज़ाइन की बात फ्रंट से शुरू करें, फ्रंट में आपको मिल जाता है छोटा सा स्मॉल फेयरिंग के साथ इस बाइक के एलईडी की हेडलाइट। उसके साथ साथ फ्रंट में आपको मिल जाते हैं टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और उसी के साथ साथ आपको मिल जाते हैं फ्रंट में एलईडी के साइड इंडिकेटर। थोड़ा सा अगर पीछे आए तो यहाँ पर आपको मिल जाता है इस बाइक की 12 लीटर की फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक की बात करें तो पूरा ही फ्यूल टैंक आपके मेटल की है। उसके साथ साथ टैंक की साइड में आपको मिल जाते हैं इस बाइक के प्लास्टिक की फेयरिंग और उसके ऊपर आपको टीवीएस की लोगो देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर थोड़ा सा पीछा है तो यहाँ पर आपको मिल जाता है इस बाइक के प्लास्टिक की काउल जो कि है ब्लैक कलर की और उसके ऊपर आपकी अपाची की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। उसके बाद अगर डिजाइन की बात हम पीछे से शुरू करें तो पीछे आपको मिल जाता है इस बाइक की एलईडी की टेल लाइट और उसके ऊपर आपके दिया हुआ है इस बाइक के लिए पिनियन की ग्रैब व्हील जो कि आपके स्प्लिट डिजाइन में बना हुआ है। तो लगभग ये था इस बाइक के डिजाइन के बारे में बात। चलिए अब हम बात करते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में। अगर इंजन की बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है इस बाइक में 160 सीसी की 4-स्ट्रोक 2-वर्ब एयरकूल्ड इंजन। पावर आउटपुट की बात करें तो ये इंजन आपकी 16.04 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है आपकी 8750 rpm पर और 13.85 न्यूटन मीटर की टॉर्क प्रोड्यूस करता है आपकी 7000 rpm पर। अगर इंजन की बात करें तो ये आपकी इंजन एयरकूल्ड है, उस वजह से आपको थोड़ा सा हीटिंग इशू आ सकता है, लेकिन वह इशू आपके बिल्कुल इग्नोरेबल है। इसके अलावा अगर बात करें इस बाइक के फीचर्स के बारे में बात, तो इस बाइक में आपको अच्छा खासा फीचर्स भी मिल जाते हैं प्राइस के हिसाब से। अगर मेन फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है इस बाइक में सिंगल ABS जो कि आपके फ्रंट में है। इसके अलावा इस बाइक में आपको मिल जाते हैं फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको सारे डिटेल्स मिल जाते हैं इस बाइक के, ट्रिप ए ट्रिप बी, कई सारे और भी फीचर्स इस बाइक में ढेर ढेर के मिल जाते हैं। इसके अलावा इस बाइक में आपको मिल जाते हैं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के ऑप्शन, उसे आप कनेक्ट करके आप कॉल अलर्ट, SMS अलर्ट, कई सारे फीचर्स और भी एक्सेस कर पाएंगे। इसके अलावा एक और फीचर्स की बात करें तो इस बाइक में आपको मिल जाता है राइडिंग मोड। जी हाँ दोस्तों, इस बाइक में आपको 3 राइडिंग मोड देखने को मिल जाते हैं, रेन, अर्बन और स्पोर्ट्स। अगर आप मुझे पूछे तो 160 बाइक के हिसाब से आपको राइडिंग मोड में इतना ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी है फीचर्स तो गिनने में तो आएगा। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे मेन फीचर्स के बारे में जो कि है इस बाइक का ड्राइविंग एक्सपीरियंस। अगर हम ड्राइविंग की बात करें तो सबसे पहले आता है इस बाइक का सीट। इस बाइक में को मिल जाते हैं 790 mm के सीट हाइट और सीट की अगर कुशनिंग की बात करें, सीट की कुशनिंग एक डिसेंट है। कंफर्ट की बात करें तो ठीक ठाक कंफर्ट मिल जाते हैं। अगर आप 100-150 किलोमीटर तक जाते हैं तब आपको कोई भी परेशानी महसूस नहीं होगी, लेकिन हाँ अगर आप परमानेंटली लॉन्ग ड्राइव के लिए आप इस बाइक को प्रेफर करना चाहते हैं तब आपको बिल्कुल एडवाइस नहीं करूँगा। आपकी परमानेंट लॉन्ग ड्राइव के लिए ये बाइक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत लॉन्ग ड्राइव करते हैं कभी कभी तब तो ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इस बाइक के टायर के बारे में जो कि ड्राइविंग की एक बहुत ही मेन चीज़ है। अगर टायर साइज़ की बात करें तो आपको फ्रंट में मिल जाते हैं 90x90 17 इंच की ट्यूबलेस टायर, पीछे आपको मिल जाते हैं 120x70 17 इंच की ट्यूबलेस टायर। फ्रंट और रियर दोनों ही जगह आपको 17 इंच की अलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं। अलॉय के डिजाइन आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर टायर की ग्रिप की बात करें तो टायर की ग्रिप अगर आप सिटी में चलाते हैं तब आपके लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आप सीमेंट के रोड पर चलते तब आपको थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस फील होगा। लेकिन हाँ, यह जो कॉन्फिडेंस आपको फील होगा बिल्कुल भी आपकी जो टायर है वो स्लिप नहीं करेगी। इसके अलावा अगर बात करें हमारे और भी पॉइंट के बारे में जो कि है इस बाइक के ब्रेक, इस बाइक का ब्रेक ठीक ठाक है, चलिए उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। इसके अलावा अगर वाइब्रेशन की बात करें तो इस बाइक में आपको इतना ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं होता है। अगर आप 8000 rpm के ऊपर चलाते तब आपको थोड़ा सा वाइब्रेशन महसूस होगा, लेकिन वो नेग्लिजिबल है। लेकिन अगर आप इस बाइक को 6000 rpm के नीचे चलाएं या 6000 rpm पर चलाएं तब आपको वाइब्रेशन बिल्कुल महसूस नहीं होगी और आप इस बाइक को 6000 rpm पर 80 की स्पीड पर आराम से क्रूज कर पाएंगे, जो कि आपकी बिल्कुल अच्छा स्पीड है इस बाइक के लिए। इसके अलावा मुझे एक और भी चीज़ परेशान किया इस बाइक की जो कि मुझे पर्सनली लगा, वो है इस बाइक का साइड स्टैंड की पोजीशन। इस बाइक के साइड स्टैंड की पोजीशन मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, गियर
चेंजिंग के वक्त और इस बाइक के साइड स्टैंड लगाने के वक्त मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। अगर आप लोग के पास ये बाइक है तो आप कमेंट में बताना कि आपके पास क्या है प्रॉब्लम होता है। तो लगता है ये जो फीचर्स मैंने आपको बताया वो आपको थोड़ा सा नेगेटिविटी लगेगा। चलिए अब हम बात करते हैं इस बाइक के कुछ अच्छे पॉइंट के बारे में, जो कि इस बाइक के हैंडलिंग। इस बाइक के हैंडलिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और आपको एक बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस फील होता है। इसके अलावा अगर पावर की बात करें, इस बाइक का जो पावर है अपने इंजन की और सेगमेंट के हिसाब से आपको अच्छा खासा पावर मिल जाते हैं, चाहे आप सिंगल चलाएं या पिलियन को लेकर चलाएं। इसके अलावा इस बाइक के अगर ब्रेक की बात करें तो इस बाइक की जो ब्रेक की जो कैलिपर है वो बहुत ही अच्छा है। फ्रंट में आपको मिल जाता है 270 ओएम की डिस्क ब्रेक, पीछे आपको मिल जाता है 230 ओएम की डिस्क ब्रेक और ब्रेक आपको अच्छा खासा मिल जाते हैं, स्टॉपिंग पावर अच्छा खासा मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें क्लच के बारे में तो मुझे इस बाइक का पर्सनली क्लच बहुत ज़्यादा लाइट लगा और अगर आप लॉन्ग ड्राइव थोड़ा बहुत चलाते हैं या ज़्यादातर बाइक चलाते हैं तब आपको बिल्कुल भी रिस्ट पर या उंगलियों पर कोई भी परेशानी नहीं महसूस नहीं होगी। तो लगभग ये था इस बाइक की ड्राइविंग एक्सपीरियंस, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया हो। अगर यहाँ तक आप वीडियो देख चुके होंगे तो आपको उम्मीद करता हूँ वीडियो देखने में पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल में सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ कॉमेंट में अपने ओपिनियन जरूर बताइएगा। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट के बारे में, जो लोग सबसे ज़्यादा पूछते हैं वो इस बाइक का माइलेज। तो इससे पहले मैंने आपको बताया है कि माइलेज आपकी चलाने के ऊपर डिपेंड करता है, फिर भी अगर आप इस बाइक को डिसेंटली चलाते आप 40 से लेकर 45 kmph की माइलेज आराम से निकाल सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे आखिरी पॉइंट के बारे में, जो कि इस बाइक की प्राइस। प्राइस की बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यह बाइक टोटल 3 वेरिएंट के साथ आता है। अगर लो वेरिएंट की बात करें जो कि है बेस वेरिएंट, यहाँ पर आपको मिल जाता है फ्रंट में डिस्क ब्रेक और पीछे मिल जाता है ड्रम ब्रेक और इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो है लगभग 1,45,000 के आसपास। जो मिडिल वेरिएंट है वहाँ पर आपको फ्रंट और रियर दोनों ही जगह डुअल डिस्क देखने को मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को नहीं मिलता है और इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो आपकी लगभग 1,48,000 के आसपास है। ये जो प्राइस मैंने आपको बता रहा हूँ वो वेस्ट बंगाल की प्राइस है, आपकी सिटी के आसपास भी लगभग इतना ही प्राइस हो सकता है। अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट के बारे में, जो कि इस बाइक का टॉप वेरिएंट जो हमारे सामने मौजूद है, यहाँ पर आपको फ्रंट और रियर दोनों ही जगह आपको डिस्क मिलता है, यानी कि इस बाइक में को मिल जाता है डुअल डिस्क, उसके साथ साथ आपको मिल जाता है इस बाइक में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की ऑप्शन और इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो है लगभग 1.53 लाख, यानी कि 1,53,000 के आसपास। आपकी सिटी के आसपास भी प्राइस इतना ही हो सकता है, थोड़ा बहुत 2-3 हज़ार रुपये ऊपर नीचे हो सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे सबसे आखिरी पॉइंट के बारे में, जो कि है मेन मुद्दा इस बाइक की कंक्लूजन। अगर कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आप एक बजट बायर है तब आपके लिए एक बेस्ट चॉइस है और आप आग बंद करके इस बाइक को ले सकते हैं। अगर आपके पास बजट के इशू है तब आप दूसरी बाइक को मत देखिए, 160cc कैटेगरी के बजट के अंदर सबसे ज़्यादा बेस्ट बाइक यही लगता है। इसके अलावा अगर आप बजट के इशू नहीं है आप अपने बजट को बढ़ा सकते हैं, तब आपको इसके ऊपर वेरियंट में ले सकते हैं, जैसे कि आप N160, M215, NS160 उन सब बाइकों को भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बजट के इशू नहीं हो तब। अगर आपके पास बजट के इशू है तब यह बाइक आप आग बंद करके ले सकते हैं, आपको कोई भी परेशानी महसूस नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ चीज़ समझ आ गया होगा। वीडियो देखने में पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में फिर से बता रहा हूँ कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।